Now coming to the next question, this is question number 21 of set 1, question number 17 of set 2 and question number 20 of set number 3. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter standing water is needed? तो हमसे पूछा गया है कि 30 minutes में वो कितना area करेगा इरीगेट। सो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको गिवन है इसकी फ्लोइंग स्पीड, आपको देखो अगर वॉल्यूम निकालना है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजें चाहिए, दो चीजें आपके पास ऑलरेडी है। सो अब यहाँ पे जो हमें गिवन है, सो स्पीड ऑफ फ्लोइंग इज गिवन टू बी 10 किलोमीटर पर आर। ये हमें 10 किलोमीटर पर आर में गिवन है, हमें कितने टाइम का निकालना है, 30 मिनट्स, विच इज बेसिकली हाफ आर। तो आप डायरेक्ट इसको हाफ कर सकते हो या फिर वी कैन राइट, सो देयरफॉर इन 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 10 × 30/60। देखो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करें तो 30/60 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2, ये आगे कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 5 किलोमीटर। सो ये 30 मिनट्स में आ गया 5 किलोमीटर। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो आपको इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम, 5 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो हम यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, सो 5 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 5000 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। सो वॉल्यूम इज ऑलवेज एल इन टू बी इन टू एच, ये होगा। सो हमें ये लिख लिया 5000 इंटू, दिस इज 6 × 1.5। आप चाहो तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हो या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। आगे हमें देखो क्वेश्चन में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड दी एरिया, कि कितना एरिया होगा 8 सेंटीमीटर में। अब 8 हमें किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, सब चीजें मीटर में है तो इसको भी आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर, राइट। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 0.8, सो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08, बिकॉज सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/100 मीटर होगा, राइट। सो आपको 8/100 करना पड़ेगा, सो 8/100 इज 0.08। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया इसको कन्वर्ट। अब देखो वॉल्यूम हमने यहाँ पे फाइंड नहीं किया, मतलब है तो ये वॉल्यूम है इसका। अब आपको निकालना है कितना एरिया इरिगेट होगा 30 मिनट्स में। सो एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स। अब यहाँ पे एक चीज और उन्होंने मेंशन करी है ना कि 8 सेंटीमीटर या फिर 0.08 मीटर आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो जितना आपने वॉल्यूम निकाला है, विच इज 5000 × 6 × 1.5, इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.08 से। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, लेट्स फाइंड द आंसर। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आएगा, इधर से पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। नीचे आपके पास सिर्फ 8 है, अभी हम 8 और 6 को कट कर सकते हैं, ये 4 आ जाएगा, दिस विल बी 3। सो अब हमारे पास यहाँ पे 150 और 4 कट हो सकता है, दिस विल बी 2, और इसको अगर हम 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 775। अब ये 2 और 5000 हो सकता है, ये 1 हो गया, दिस विल बी 2500। तो अब हमारे पास आ गया 2500 × 3 × 75। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो यहाँ पे 75 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम। सो 5 × 3 इज 15, 7 × 3 = 21, 22, सो दिस इज 225। नाउ 2500 × 225, अब इस 225 को हमें 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हम आगे 2 जीरोस एड कर देंगे। तो 5 × 5 इज 25, 5 × 10 = 12, 5 × 10 अगेन 11, सो 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, 5, एंड 2 × 2 = 4, सो दिस इज गोना बी 5, 2, 5 + 1, 6, 5। सो ये हमारे पास आ गया 5, 6, 2, 5, एंड साथ में 2 जीरोस हो जाएंगे। तो ये इतना एरिया इरिगेट करेगा इन
30 minutes. So this is going to be your answer. Okay, so this was our question number 21 of set 1, question number 17 of set 2, and question number 20 of set number 3. Let's move to the next question.